बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अक्सा बीच और सचिन भाई भी रिटर्न जा रहे हैं जयपुर, तो उनको थोड़ा आप समझ रहे हो ना, थोड़ा बीच पे घुमाने का है, उनको नहलाने का है, बीच पे नहाने का है। तो अभी सचिन भाई आ रहे हैं, मैं उनको जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। वहाँ से पिकअप करके फिर निकलेंगे अक्सा बीच के लिए। तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आ चलती क्या। तो गाइज आज आप लोग को उसी बीच पे मैं आप लोग को घुमाने वाला हूँ, अक्सा बीच कैसा है और कैसा नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। ओए ओए इधर इधर। तो गाइस सचिन भाई फाइनली टैक्सी से आए हैं। भाई कैसा रहा मुंबई का सफर, टैक्सी का और बस का? बहुत अच्छा, पहली बार। क्या बात कर रहे हैं, तो जैसा दिल्ली में सफर करते वैसे ही लगा या? दिल्ली तो अपना ही है। दिल्ली अपना ही है, मुंबई में अपना ही है। तो मुंबई कौन सी? अरे यार सबकी है ऐसी नहीं। तो चलिए कहाँ चलना है अभी? अच्छा लास्ट पल, मतलब उसके बाद मिलेंगे, बाद मिलेंगे। अच्छा मुझे लगा लास्ट पल बोला तो फिर फ्यूचर में वापस दोबारा मिलने वाले नहीं है। बाय बाय वाला। अच्छा तो चलिए चलते हैं अक्सा बीच। चलो ठीक है। अभी महंगा नहीं मिलता है भाई, उधर कितना मस्त दिख रहा है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, मेरे गाइस को दिखाता हूँ, आज मेरे गाइस को समुद्र दिखाता हूँ। चलो 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 आज आप लोग को भी समुद्र में डुबकी लगा देते मेरे गाइस को। वाओ फाइनली हम लोग अक्सा बीच पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे सब फैमिली आती है, सब फैमिली जाते हैं, छोटे से बच्चे बड़े। और आज संडे का दिन है तो आप देख सकते हैं पीछे कितनी भीड़। आप बीच पे आए हो और बीच पे अगर आपने स्नैक्स नहीं खाया, यहाँ का चाट नहीं खाया, तो कोई क्या खाया फिर, कोई मतलब नहीं फिर बीच पे आपका आने का। तो भंडारे जाके खा लो फिर। हाँ भंडारे में भी जाके खा लो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल हम लोग बीच पे आए, थोड़ा एंजॉय करते कुछ खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं हम वहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे? वहाँ पे डुबकी लगाने के लिए। गंगा जी का पानी भी होगा कहीं ना कहीं, मिक्स हो गया है। हाँ जरूर, बंगाल खाड़ी से मिक्स हो गया है सब जगह से। वैसे देखा जाए तो पानी तो चाइना, पानी चाइना कौन कर लिया है? चाइना बीच कौन बोला? नहीं है ना, रिसर्च किया, रिसर्च कर पे। नहीं चाइना के पास वो लोग जाते हैं, चाइना के पास भी है, चाइना के पास वो लोग जाता है क्या? वो क्या नाम है वो का ना, वो लोग जाते हैं मॉल वगैरह। नहीं कुछ चेक कर नेट पे, गाइस चेक कर लेता हूँ। हाँ गाइस ये चेक करके बताएगा ये चाइना में बीच है कि नहीं है, ठीक है ना गाइस? आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चाइना में बीच है या नहीं, नहीं है। देखते हैं, तू सही होता है कि अपने गाइस सही होते हैं। हांगकांग चाइना में आता है?
हाँ चाइना के पास में यही पड़ोसी है उसका, उससे चाइना से ही सब निकला हुआ है। देखो जैसे हिंदुस्तान से निकला हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना है, ये वाला ठीक है। तो ये सारे बाकी देश हैं, चाइना इधर है, ये सब चाइनीज करता है, बाकी चाइना ये चाइनीज, ये भी चाइनीज, ये चाइना नहीं है, अरे बब्बा चाइना आइलैंड है। चलो ठीक है, हम लोग बहस करते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए बीच को। देखो तो वड़ा पाव और सचिन भाई अपना मुंबई का वड़ा पाव का एंजॉय करेंगे। चलिए हम भी खाते हैं और आप भी खाइए। चलिए हम लोग नहाने जा रहे हैं, उस तरफ बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है ना मत पूछिए। तो वहाँ पे नहाने का इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं। चलो उधर चलते हैं, एक चटाई ले लेते हैं जिसपे अपन सामान रख देंगे। हाँ किराए पे मिलती है ना, चलो आजा किराए पे एक चटाई लेते हैं। किधर गए वो चटाई वाले, ये रहे ना चटाई, हाँ इधर भी है। तो भाई फिलहाल है ना हम लोगों ने सामान रखने के लिए किराए पे लिया चटाई, चटाई किराए पे लिया, लेट भी सकते हैं इस पे तो यार। तो भाई इस पे सामान वगैरह रख लेते हैं और जाएंगे हम लोग डुबकी लगाने के लिए। बादल तो देखो कितने ज़्यादा मस्त हो रखे हैं ऊपर, तो चटाई पे रखते हैं सामान। गाइस अभी थोड़ा नहाने के लिए चेंज करना पड़ेगा, चेंज करते हैं। हम लोग नहा चुके हैं और बहुत मजा आया है। देखो व्यू देखो आप यहाँ का, इतनी पब्लिक ना, इतनी पब्लिक मत पूछो। देखो आपको नजदीक भी लिए चलता हूँ मैं और नजदीक से भी दिखाता हूँ सब, ठीक है ना। आइलैंड व्यूज देखो आप, ये देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे। भुट्टा है, गरम भुजिया वड़ा पाव, बहुत कुछ है। यार बहुत बुरा लग रहा है सचिन सचिन भाई, हमको यार बहुत दिन बाद कर जा रहा हूँ। अरे अलविदा बोल के जा रहे हैं यार, बाय बाय ऐसा मत बोलो। मैं बोलता यार रहो अभी मुंबई में, तो बोल रहे नहीं एक बार वापिस घर जाना पड़ता है। और लद्दाख भी तो जाना है, लद्दाख क्यों जा रहे हो? लद्दाख का देखते हैं यार, गाड़ी नीचे है थोड़ी, गाड़ी वो है जो बुलेनो आती है ना वैसी गाड़ी है, थोड़ी नीचे है तो देखेंगे कि रास्ता सही है नहीं है। बाकी तो मनाली तक जाके आएंगे। तो चलो गाइस क्या बोलूं अभी यार, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। समीर भाई के गाइस हम जा रहे हैं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि सचिन भाई जा रहे हैं, बट अभी इनको भी जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, रिटर्न कब आएंगे? रिटर्न कब आएंगे? आप बुलाओगे तभी हम हाजिर। 16 घंटे का रास्ता है यार, ऐसे बस एक बार सोए आए पूछे पूछे इधर, आपको भी तो फ्लाइट से आ जाएंगे 2 घंटे में। ऐसा कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट जल्दी प्लान बनाना, पहले तुम लद्दाख जाके आ, जरूरी है जाना। बस जिंदे रहे तो आएंगे जरूर। चलो मिलते हैं फिर। चलो ठीक है, आपको आगे का व्यूज दिखाता हूँ। Thank you.
बस आ चुकी है। बाय 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 दादा, पीछे से पीछे से पीछे से। हाँ चल सचिन, तो सचिन भाई तो निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और हम भी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।